नमस्कार आदाब, मैं मंजूर आलम, आपका रिपोर्टर भैया। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया सिक्स। आप सभी देखने वाले दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। और यह बड़ी खबर क्या है, आपको बताएंगे विस्तार से इस वीडियो में। इस खबर को जानने और देखने के बाद आप ये कह उठेंगे कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अब जल्द ही शुरू हो सकता है। तो आइए बताते हैं इस खबर को विस्तार से। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज इंडिया सिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए सब्सक्राइब। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मार्च 2021 में शुरू होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख तय नहीं हो सकी और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन नहीं हो सका। तो बता दें कि देश का 29वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। बीते सोमवार को भारतीय वायुसेना का एक विमान जो है कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंडिंग किया, और इसके लैंडिंग की खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची, अब कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में लोग जो है कि यह कयास लगा रहे हैं कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अब जल्द ही शुरू हो जाएगा। दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, और इस वीडियो में बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना का एक विमान जो है कि लैंडिंग कर रहा है। बीते सोमवार को यह विमान भोपाल से कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी, और दोपहर 11:55 पर कुशीनगर एयरपोर्ट पर यह विमान उतरा। करीब 19 मिनट एयरपोर्ट पर रहने के बाद दोपहर 12:14 पर यह विमान दिल्ली के लिए उड़ान भर दिया। इस दौरान विमान में सवार कोई भी व्यक्ति हवाई अड्डे पर नहीं उतरा। वायुयान में ही बैठकर हवाई अड्डे का निरीक्षण किया गया। वायुसेना का यह विमान बोइंग 737 है, जो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरा था। इस विमान के चले जाने के बाद कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख की चर्चाएं अब जोरों पर हैं। दोस्तों, सूत्रों से ये पता चला कि भारतीय वायुसेना का यह बोइंग 737 विमान कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जो उतरा, वो हवाई अड्डे का निरीक्षण करने आया था। यानी उसमें जो लोग सवार थे वो हवाई अड्डे का निरीक्षण करने आए थे। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि उसमें कौन से लोग सवार थे और यह हवाई जहाज किस उद्देश्य से कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतारा गया था। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जो भी काम बचा हुआ था वो लगभग सब चीज़ पूरा हो गया है, चाहे वो न्यू टर्मिनल बिल्डिंग हो, डोमेस्टिक टर्मिनल बिल्डिंग हो, एटीसी बिल्डिंग हो, मोबाइल एटीसी हो, फायर बिल्डिंग हो, टैक्सी स्टैंड हो, सारे काम जो है कि तकरीबन कम्प्लीट हो गए हैं। अब बस केवल और केवल उद्घाटन के तारीख का इंतजार है, यानी कि सरकार की तरफ से ऐलान होगा कि उद्घाटन की तारीख क्या है। जैसे ही उद्घाटन की तारीख आएगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर। जैसा कि आप जानते हैं, बस कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनके तैयार है और बस अब यहाँ से फ्लाइट होना बाकी है। तो इंतजार कीजिए सरकार की तरफ से कब जो है कि ऐलान होता है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख का। जैसे ही उद्घाटन की तारीख का ऐलान होगा हम आपको बताएंगे सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज इंडिया सिक्स अपने रिपोर्टर भैया के साथ। और भी खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज इंडिया सिक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद।